ज़बरदस्त मैच की शुरुआत यहाँ पर, और लीजिए जनाब डग आउट जाइए और इंतज़ार कीजिए आराम से इस मैच को देखिए। अब आप बाकी मांदा 5.5 गेंदें डग आउट में बैठ के एंजॉय कीजिए। आसिफ क्या कहेंगे, पहली बॉल पे मोहम्मद उमर ने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटा दिया है। क्या दरवाज़ा खोल के, दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए हैं मोहम्मद उमर। ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं जिसकी पहली गेंद पर विकेट गिरी थी, और इससे पहले वाले मैच में भी पहली गेंद पर विकेट गिरी थी। क्या बात है, ये देखिए अच्छा कैच लिया विकेटकीपर ने, काफ़ी ऊंचा था बॉल, उसको जज किया, और आसान नहीं होता इस तरह के कैचेस देना। वंस अगेन शॉट यहां पर, वेलकम बाउंड्री जनाब, खुशामदीद कहते हैं आपको। इस बार कोटली लॉयंस की टीम ने पहली बाउंड्री दागी है। ये बॉल लीगल है या इलीगल इसके बारे में मालूम नहीं है। उमर का ओवर खत्म हो गया भाई। जी हाँ, ओवर खत्म हुआ है 13 रन। ये बॉल भी देखना होगा कि ये बॉल शॉट आउट ऑफ द पार्क, यकीनी तौर पर ओवर द मिड ऑन यहां पर आखिरकार। बहुत देर की मेहरबान, आते आते ये छक्का दाग दिया है हारिस अली ने, और गेंद को ग्राउंड के उस पार पहुंचाया है। फारूक लगारी, और यहां पर कामी लेफ्टी ने भी इस बार दस्तक दी है दरवाजे पर, उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर के दरवाजे पर। के जनाब मैं भी यहां पर मौजूद हूं और मैं भी भरपूर यहां पर आपके ऊपर लाठी चार्ज कर सकता हूं। जी आसिफ, उमर एसोसिएट्स के डगआउट में यकीनन इस वक्त थोड़ी सी परेशानी होगी। बहुत दिलचस्प बातें करते हुए दानियाल, और बोल्ड कर दिया इस मरतबा, कुछ नहीं समझ में आया बैट्समैन के। अभी एक और इत्तेफाक हो चला है आसिफ यहाँ पर, साथ साथ ताहिरी पिंडी में रहते हैं, कश्मीरी नजाद प्लेयर हैं, और कामी लेफ्टी को यहाँ पर बोल्ड मार दिया है। कामी का ताल्लुक भी कश्मीर से है। बोला ना आपने, बोल्ड मार दिया है, ये टेप बॉल की लैंग्वेज है। लेकिन बोल्ड आउट होकर बाहर जाते हुए एक और खिलाड़ी उमर एसोसिएट्स ने विकेट ली है एक और। और बहुत अच्छा बॉल, बिल्कुल मिस कर गए बॉल की लाइन को, और यहां पर फेवरेट सिग्नेचर शॉट इसको कहा जा सकता है हारिस अली का, कंफर्म यहां पर किया है और एलसीडी के ऊपर से यहां पर बॉल को पहुंचाया है। शॉट कैसा लगा आसिफ, आप ये बताइएगा। मैदान से बाहर, ये दूसरा शॉट मैदान से बाहर फेंकने में कामयाब हारिस अली खान, फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड, इस बार इस गेंद को लगता है कि स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। अच्छा शॉट यहां पर बिलाखिर लगाने में कामयाब रहे, और 6 रन नसीब हो गए हैं कोटली को। जी बड़ा अच्छा स्ट्रोक था इस मौके पे, पांव पे गिरा हुआ गेंद उसको बड़े खूबसूरती के साथ खेले डीप मिड विकेट पोजीशन पे, और गेंद 6 रन के लिए। इस बार ऊंचा शॉट है और गेंद हवा में है काफी देर तक, फील्डर नीचे आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए, लेकिन उनके हाथ लगने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 6 रन यहां पर मिल गए और अपने किए पर शर्मिंदा भी है। और इस पर तब बहुत ही अच्छा कैच एग्रेशन आप देख सकते हैं यहां पे मोहम्मद अली खान की जानिब से, और हारिस अली खान यहां पर आउट होके वापस अपने डगआउट की समत गामजन। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा शदीद गुस्से में विकेट जो है वो हासिल की है अली ने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि खतरा बनते जा रहे थे हारिस, और काफ़ी ज़ोरदार शॉट्स यहाँ पर खेल रहे थे। ये आउट होने का मंजर था, बॉल हमने देखा स्विंग हुआ, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा कवर की जानब खेला था कि जहाँ सीधा हाथों में कैच गया, और इस तरह से विकेट जो है हारिस अली खान की हासिल कर ली है। और जब सुहेल खान ने अपने कैरियर का आगाज़ किया था तो वो सुहेल पठान के नाम से खेलते थे, लेकिन पहली गेंद पर यहाँ पर फील्डर को कैच दे बैठे अशरफ पठान। एक के बाद एक विकेट जो है वो हासिल कर ली है अली ने, और इस तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी जो कि अब मिल गई है उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स को। चाह रहे थे इसको किसी तरह फील्डर को क्लियर करते और गेंद बाउंड्री के बाहर जाते, लेकिन क़ुव्वत इतनी नहीं थी। और एक और अच्छा कैच यहाँ पर, पहली गेंद फुल टॉस बनाते हुए खेले इसको, बड़ा स्ट्रोक है, गेंद काफी देर हवा में, और बड़ा छक्का है यहां पर। इस मौके पे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, ग्राउंड से बाहर।
ऑफ साइड द ऑफ स्टंप और घुटने को जमीन पर रखते हुए इस शॉट को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करते हुए 6 रन के लिए। राणा के बैट से छक्कों की बरसात। उमर जैसे बॉलर के सामने जो इतने सीजन बॉलर हैं, सिंध के लिए खेले, सदरन पंजाब के लिए खेले, मुल्तान सुल्तान के लिए खेले, लेकिन यहाँ पर टेप बॉल क्रिकेट बहुत ही बेरहम क्रिकेट। उठता हुआ स्ट्रोक, इस पर दबा शफी ने चार्ज किया और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 6 रन नहीं थे, बुलेट फायर था। तो बड़ा उनका एक अजीब सा एक कैरियर रहा है, इसी दौरान अजीब गरीब एक्शन के हामिल सलमान विकेट लेने में कामयाब हुए, बड़े हिट लेना चाहते थे। शफी जो के शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और एज हुआ, जिसके बाद विकेटों के पीछे कीपर ने कोई गलती नहीं की इसको कैच लेने के लिए। ये एक शॉट गेंद थी जिसको ऊंचा उठाकर खेला है और गेंद एक दफा फिर गई है स्टेडियम के बाहर जाकर 6 रन के लिए। अली सलमान आपकी बात पे जो है ना वो छक्का लग गया। यॉर्कर गेंद थी और एक अच्छी गेंद यहाँ पर की और जिसको बिल्कुल समझने से खासे रहे और अपने विकेट यहाँ पर गंवा बैठे हैं और समझने से खासे रहते हैं बैट्समैन। यही वजह थी कि एक अच्छी यॉर्कर पे जो विकेट है वो यहाँ पर मिल गई सलमान दुसानी को, शर्ट नंबर 99। और जिस तरह मैंने पहले कहा सीधे हाथ के सुहेल तनवीर रॉन्ग फुटेड। एक और ऊंचा शॉट यहाँ पर खेला है और बिलाखिर ये आखिरी गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब रहे। एक बार फिर इस गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया है और आखिरी गेंद पर ये 6 रन हासिल कर लिए जो यकीनी तौर पर बड़े काम आ सकते हैं।